वडोदरा पीसीबी पुलिस द्वारा नामचीन बुटलेगर किरण कहार के गोडाउन पर छापेमारी करते हुए 5 लाख से भी अधिक का मुद्दा माल जब्त करने के साथ 4 लोगों की गिरफ्तारी की थी, जिसमें मुख्य सूत्रधार वैसा बुटलेगर किरण कहार को वांटेड घोषित किया है। वडोदरा पीसीबी पुलिस द्वारा एक बार फिर मिली खबर के आधार पर नामचीन बुटलेगर किरण कहार के भाईल स्थित स्पर्श रेसिडेंसी में आए हुए गोडाउन पर छापेमारी करते हुए 3,67,000 कीमत का शराब तथा अन्य मुद्दामाल के साथ 5,18,000 कीमत का मुद्दा माल जब्त किया गया है। जुए गुनाह में पुलिस ने कुल मिलाकर 4 लोगों की गिरफ्तारी करते हुए बुटलेगर किरण कहार को वांटेड घोषित किया है, जिसमें पुलिस को खबर मिली थी कि नागरवाड़ा खोड़ियार मंदिर माता खाचा में रहता वैसा किरण श्यामलाल कहार विदेशी शराब का व्यापार करता है। भाईल स्थित कहीं जगह पर उसके द्वारा गोडाउन किराए पर रखा गया है, जिस अंतर्गत उसके सागरितों द्वारा 4-व्हीलर वाहनों में शराब की हेराफेरी कर बाइक तथा अन्य 4-व्हीलर वाहन के जरिए पायलटिंग कर भाईली की और पंचमुखी हनुमान मंदिर वाले रोड पर गुजरने वाले हैं, जिस आधार पर पुलिस ने छापेमारी तथा वॉच लगाते हुए किरण कहार के सागरितों को एक छोटा हाथी टेम्पो में बरामद करने के साथ उसकी पायलटिंग की गई। जब पुलिस ने मिली खबर के आधार पर सूचित स्थल पर छापेमारी करते हुए शराब भरे वैसे टेम्पो तथा बाइक वैसे कुल मिलाकर 4 लोगों को पकड़ने के साथ भाईल स्थित स्पर्श रेसिडेंसी में छापेमारी करते हुए अन्य एक गोडाउन को पाया गया, जिसमें पुलिस ने अपराधी वैसा गौरांग उर्फ भैडू जगदीश पटेल, करण राजू चौधरी, लाला उर्फ संजू वसंत नागर तथा मुकेश गणपत पटेल की गिरफ्तारी करते हुए 5,18,000 कीमत का मुद्दा माल हिरासत में लिया है, जबकि वांटेड बुटलेगर किरण कहार को पकड़ने की दिशा में सघन कार्यवाही जारी की है। संदर्भ पुलिस ने कुल मिलाकर 1,913 जितनी शराब की बोतलों का जत्था, जिसकी कीमत 3,67,950 रुपए आकी गई है। पुलिस ने नकद रुपए, 5 मोबाइल फोन, वाहन वैसे कुल मिलाकर 5,18,830 रुपए का मुद्दा माल हिरासत में लेते हुए सघन कार्यवाही का दौर जारी किया था।